है, यू शुड कंसिडर एंट एज अ पार्टिकल, ठीक है? आप बोलोगे फिर पता नहीं अभी एंट का क्या होगा ये सब, तो ये आपके बस बेस्ट हाँ, ये बस आपका ध्यान भटकाने के लिए ये लोग एंट करेंगे। ग्रेविटेशन वाले कंसेप्ट में अर्थ विल बी मेड अप ऑफ वुड ग्लास ऐसे लिख देंगे, तो डरना मत उसमें, ऐसे कुछ होता नहीं है, बस ये ही है। Somehow an ant is stuck on the rim of the bicycle wheel of diameter. So diameter it is given 1 meter. So what is the radius? Radius is diameter divided by 2, 0.5 meter. Because हम लोग हमेशा radius में ही formulas हैं हमारे। So while the bicycle is on central stand, तो ये वो वाला bicycle है। कौन सा वाला? आपका bicycle नहीं, ये जो गांव में bicycle use करते हैं ना दूध लेके जाने के लिए, तो वो सेंट्रल स्टैंड पे रखा है वो बाइसाइकिल को, ठीक है? तो सेंट्रल स्टैंड पे रखोगे तो उसका जो व्हील है पीछे वाला वो फ्रीली मूव हो सकता है, ठीक है? सो द व्हील इज सेट इनटू रोटेशन नाउ। तो व्हील इज सेट इनटू रोटेशन, इसका मतलब पहले वो रोटेशन पे था क्या? नहीं, पहले रोटेशन पे नहीं था, तो उसका पहला फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? पहला फ्रीक्वेंसी रहेगा 0 हर्ट्ज, ठीक है ना? पहला फ्रीक्वेंसी रहेगा 0 हर्ट्ज। अभी क्या हो रहा है? इट इज सेट इन टू रोटेशन एंड इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो अभी जो फ्रीक्वेंसी है, अभी वाला फ्रीक्वेंसी है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, RPS। रेवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब RPS। तो RPS और हर्ट्ज दोनों सेम यूनिट है, सो नो नीड टू कन्वर्ट। ओके, इसको भी 0 हर्ट्ज की जगह पे 0 RPS लिख सकते हैं, 2 RPS की जगह पे 2 हर्ट्ज लिख सकते हैं इन 10 सेकेंड। सो टाइम इट इज गिवन, टाइम इट इज वॉट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म angular acceleration. So alpha it is what uniform. This is given that alpha is uniform. What is to calculate is number of revolution completed by ant in this 10 seconds and time taken by it. Okay, so पहले लिख दिया हमने, पहला वाला क्या चाहिए हमें to find is पहला number of revolutions. Find is number of revolutions, okay, and the second is time taken by it for first complete revolution and the last complete revolution. So time complete for the first revolution, suppose मैं T1 लेता हूँ, तो T1 it is equal to question mark. So ये first revolution का हो गया, और second वाला suppose T last लेते हैं, so T last लिखते हैं, so T last is to be calculated, ठीक है ना? तो ये दो चीजें calculate करनी है। अभी what is the important thing that you should note is the formula of number of revolution. So what is the formula? Number of revolution, it is equal to what? It is equal to theta divided by 2 pi. Number of revolution is equal to theta divided by 2 pi, okay? So we are going to use this formula, and to get the value of t and theta we will be using this formula. S is equal to ut plus half a t square का analogous part. S will be replaced by theta. S is equal to ut. U मतलब initial. तो यहाँ पे क्या रहेगा? Omega 0 t, right? Plus half a t square. A t square मतलब alpha t square. So this is what the calculation for theta. ठीक है? So solution. पहले we will get the value of theta. Theta का value फिर यहाँ पे substitute करके आपको क्या मिलेगा? Number of revolution. तो पहले भी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। सपोज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज व्हाट ओके, नॉट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, वी विल राइट थीटा फॉर्मूला। सो थीटा इट इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। नॉट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इट इज इक्वल टू 2 पाई एन, रिमेंबर दिस, ओमेगा इट इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो व्हाट विल बी ओमेगा 0? ओमेगा 0 विल बी 2 पाई एन 0। अभी एन 0 का वैल्यू कितना है? 0। तो ओमेगा 0 का वैल्यू कितना रहेगा? 0 रेडियंस पर सेकंड, ठीक है? अभी नेक्स्ट इज व्हाट ओमेगा, ओमेगा इट इज व्हाट 2 पाई एन, सो एन का वैल्यू है 2, सो व्हाट वी कैन गेट, ओमेगा इट इज इक्वल टू 4 पाई रेडियंस पर सेकंड। तो इसमें वी नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा 0 बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो अल्फा का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी कैन राइट ओमेगा माइनस ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय टी। ओमेगा माइनस ओमेगा 0, द रेट ऑफ चेंज ऑफ
angular velocity with respect to time is called as angular acceleration. Rate of change of angular velocity with respect to time, it is called as angular acceleration alpha. So what is the value of alpha? Alpha then it is equal to omega, that is what, 4 pi minus omega 0 divided by time. Time ka value kitna 10, this is what 10. So this is equal to 4 pi divided by 10. Matlab, we are getting 0.45 radian per second square. This is the value of alpha. Yeah. Now we will substitute it in this equation and we will get the value of theta. Theta it is equal to omega 0 t plus half alpha t square. So this is equal to omega 0 ka value kitna 0 plus half alpha ka value kitna 0.45 right into t square. T kitna 10 hai. So that will be 10 square. 10 square is what 100. So kya aayega answer theta ka? Calculate karo theta. Theta it is equal to ye ho jayega 0.25 into 100. Matlab, this is what 25. Theta it is equal to what 25. So if theta it is equal to 25, what is the value of number of revolution? Suppose number of revolution is denoted by n. So we are getting n is equal to theta divided by 2 pi, right? So this is equal to theta value is 20 pi. So 20 pi divided by 2 pi, aapka answer kitna aayega 10. Number of revolutions kitna aaya 10. Theek hai? So how much is the number of revolution? Number of revolutions are 10. Next is we want to get T1 and T last. How to get that? Abhi, this is what the start. Aur kitna time lag raha usko 10 seconds. So this is what 10 seconds pura. The start matlab 0 seconds. तो इसने एक बार रेवोल्यूशन किया, दो बार रेवोल्यूशन किया, तीन बार किया, चार बार किया, पांच, छह, सात, आठ, नौ, ऐसे दस बार उसने कर लिया, ठीक है ना? बिकॉज़ टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज व्हाट 10. व्हाट आई कैन डू इज दिस वैल्यू आई डोंट नो, दिस इज व्हाट टी वन नो एंड दिस कंप्लीट वैल्यू आई नो, दिस कंप्लीट वैल्यू इज व्हाट 10 सेकंड्स. मुझे ये वैल्यू चाहिए, दिस व्हाट द लास्ट रेवोल्यूशन, टी लास्ट. ये वैल्यू भी चाहिए मुझे, T1 भी चाहिए और T लास्ट भी चाहिए. सो पहले हम लोग T1 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो T1 के लिए क्या फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो थीटा इट इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर. अब ये T1 रहेगा, दिस विल बी योर T1. कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है? एक एक रिवॉल्यूशन कर रहा है. तो एक बार पार्टिकल ऐसे गोल घूम के आ रहा है, कितना एंगल बनाएगा वो एट द सेंटर? एक बार घूमेगा 360 मतलब 2 पाई. सो एंगल इट इज फॉर 2 पाई, दिस थीटा इट इज फॉर 2 पाई. सो 2 पाई ओमेगा 0 का वैल्यू कितना? 0. सो दिस विल बी 0 प्लस हाफ अल्फा का वैल्यू अभी मिला ना हमें, अल्फा का वैल्यू कितना? 0.45 एंड दिस इज फॉर T1 स्क्वायर. ओके, सो T1 का वैल्यू चाहिए. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू 0.25 T1 square. So 5 pi will get cancelled and this 2 and this is what 0.1. So what you are getting, T1 square it is equal to, T1 square it is equal to 10. A1 divided by 0.1 was later, that will be 10. So T1 ka value will be under root of 10. Okay, so here aap calculate kar sakte ho by logbook. Logbook ka direct value dekh lo, log 10 kitna hai and you can get. Next is ye T last kaise calculate kare. So main kya karta hu, main यहाँ से लेके T9 तक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? सो T9 मिलना इजी है अकॉर्डिंग टू द सेम फॉर्मूला. सो एक बार रिवॉल्यूट किया तो 2 पाई, दूसरी बार किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, तीसरी बार किया तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, 9 टाइम्स करेगा तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई. सो अगेन द सेम फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा t 9 स्क्वायर. ओके, सो T9 कैलकुलेट करना. सो दिस विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई. ये बीच वाला वैल्यू 0, ओमेगा 0 प्लस हाफ इनटू दिस इज 0.45 मल्टीप्लाइड बाई T9 स्क्वायर. सो दिस इज 0.2. अगेन पाई पाई विल गेट कैंसिल. व्हाट यू विल गेट इज T9 इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 90. सो अंडर रूट ऑफ 90 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना? 9 इनटू रूट 10 लिख दो, 9 बार आ जाएगा तो 3 इनटू व्हाटएवर इज दिस वैल्यू, जो भी यहां पे वैल्यू मिला है वो वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी सेकंड्स. नाउ हाउ टू गेट दिस टी लास्ट,
So T last it is nothing but T last it is nothing but pura complete kitna 10 seconds. So that is 10 seconds minus T last. Okay, T last will be ये इतना इतना part ना T last. So that will be 10 seconds minus T last. ठीक है? Calculate करो, बताओ कितना आ रहा, comment करो कितना आ रहा, answer बताओ. Any doubt you have? Okay, so आपका कल surprise test रहेगा. Surprise test में आपका MCQs रहेंगे, 10 MCQs रहेंगे. आपको कल surprise test देना है. और वॉट एवर आज के लेक्चर में मैंने बताया वो कल तक ये असाइनमेंट सबमिट कर दो, पिक खींच के आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है उसको एंड मुझे सबमिट करो. आपको असाइनमेंट्स के हिसाब से ग्रेड मिलेगा, ठीक है? और वॉट एवर इज द मार्क विच इज स्कोर्ड इन एमसीक्यू कल के टेस्ट में और ये असाइनमेंट ग्रेड ये आपके ग्रुप में शेयर होगा.
ठीक है. सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो सर. मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, अगर किसी को डाउट नहीं है तो वो लीव कर सकते हो. ओके बाय. बाय सर. बाय बाय. एमसीक्यूज नॉर्मल एमसीक्यूज रहेंगे, इजी एमसीक्यूज रहेंगे, उसके टेस्ट होंगे. ओके सर. ओके ओके बाय 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 सर. बाय बाय बाय. Thank you.